झूठ बोलते हैं वो दोनों। एक बार तो हम भी उनकी बातों पर विश्वास कर बैठे थे, किंतु परमवीर ने हमारे नेत्र खोल दिए। इस जंगल की माया अब तक हमारा पीछा कर रही है। जहां देखो कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है। दुर्गेश्वरी हमें तो भय है, कहीं हम अपने भाई को इस मायावी जंगल में खो ना दें। यदि उसने तुम्हारा शीश काट दिया होता तो तुम जीवित होते? कदापि नहीं रस। यदि तुम्हारा शीश नहीं होता तो तुम उससे वार्तालाप कर सकते थे? मेरे गुरुदेव भी किसी को अकाल मृत्यु का श्राप दे सकते हैं, और तुमने यदि मेरे गुरुदेव के संदर्भ में कुछ भी उठपटांग कहा तो मैं तुम्हें अभी साक्षात मृत्यु के दर्शन करा दूंगा। सूर्य प्रताप, कौन धर्मी है? दुष्ट, अपने हाथों अपने भाई का रक्त बहा दिया। किंतु एक मनुष्य को समाप्त करने के पश्चात किस दिशा की ओर जा रही है? मुझे अवश्य इसका पीछा करना चाहिए। तुमने क्या कर दिया निशाचरी? विजेंद्र प्रताप सिंह को हम जीवित पकड़ना चाहते थे, फिर तुमने हमारी आज्ञा के बिना उसे समाप्त करने की हिम्मत कैसे की? विजेंद्र प्रताप को हम तड़पा तड़पा कर समाप्त करना चाहते थे। मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था हुजूर कि आपका एक शत्रु कदम कदम पर आपके साथ आंख मिचोली खेले। आपके कारागार से छूटने के पश्चात दुर्गेश्वरी ने उसे सहारा दिया था, और दुर्गेश्वरी का साथ पाकर वो अपने आप को अधिक शक्तिशाली समझ रहा था हुजूर, इसीलिए मैंने उसके प्राण खींच लिए। निशाचरी, यदि तुम्हें किसी के प्राण लेने ही थे तो उस दुर्गेश्वरी के लेती जिसने हमारे शत्रु का साथ दिया था। यदि तुम दुर्गेश्वरी का वध करके लौटती तो हमें बहुत प्रसन्नता होती, किंतु तुमने हमारे उस शत्रु के प्राण छीन लिए जिसे हम रक्त के अश्वों में डुबो डुबो कर मारना चाहते थे। दुर्गेश्वरी को जीवित छोड़कर तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। यदि मैं दुर्गेश्वरी को मारने का प्रयत्न करती तो दुर्गेश्वरी के सभी डाकू मुझे मार डालते, और दुर्गेश्वरी के डेरे में घुसकर उसे समाप्त करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस तरह तुमने दुर्गेश्वरी के डेरे में जाके विजेंद्र प्रताप को समाप्त किया, ठीक उसी तरह तुम दुर्गेश्वरी को भी समाप्त कर सकते हो। विक्रम की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जब विजेंद्र प्रताप को मरता देख दुर्गेश्वरी कुछ न कर सकी तो स्वयं की रक्षा क्या करे? समझ नहीं आता कि निशाचरी ने विजेंद्र प्रताप से पूर्व दुर्गेश्वरी पर आक्रमण क्यों नहीं किया? मैंने कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह को अपनी शक्ति से नहीं अपितु छल से समाप्त किया है। मैंने अपना रूप बदलकर सूर्य प्रताप सिंह का रूप धारण कर लिया था, और सूर्य प्रताप सिंह के रूप में मैंने विजेंद्र प्रताप सिंह को खंजर से मार डाला। इसीलिए दुर्गेश्वरी और उसके सभी डाकू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। यदि मैं अपने वास्तविक रूप में उसे समाप्त करती तो अभी तक इन रूपनगर के जंगलों में दुर्गेश्वरी मेरी समाधि बना चुकी है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक भाई को दूसरे भाई को मारते देखकर दुर्गेश्वरी कुछ नहीं कर सकी। यदि तुम अपने वास्तविक रूप में होती तो कदाचित तुम्हारे जीवन संकट में पड़ सकता था। अपनी मृत्यु की आशंका भाग कर ही मैंने छल और मायावी शक्ति का सहारा लिया था। इस जंगल में मैं आपके अलावा किसी और का राज चलते नहीं देख सकती हुजूर। कल तक इन जंगलों में सिर्फ आपका राज चलता था, किंतु बाहर के आए मनुष्य इस जंगल पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, और दुर्गेश्वरी उनकी सहायता कर रही है। ये मुझसे सहन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने उस बाहर से आए हुए मनुष्य कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह का रक्त बहा दिया, और अब दुर्गेश्वरी की बारी है। तुम्हारे मन में हमारे लिए इतना अपनापन और सम्मान है ये जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता हुई, किंतु यदि हम विजेंद्र प्रताप सिंह को अपने हाथों से समाप्त करते तो हमें इससे भी अधिक प्रसन्नता होती। आपके हाथों जब दुर्गेश्वरी का रक्त बहेगा तो आपकी ये निराशा दूर हो जाएगी हुजूर। हमारे इस जंगल में बाहर के मनुष्यों का उत्पात देखकर हम मायावी शक्तियों का धैर्य समाप्त हो गया था, और हमें ये भय होने लग गया था कि कहीं हम निर्बल तो नहीं हुए। और वैसे भी मुझे कुंवर विजेंद्र प्रताप सिंह से अपना पुराना बदला लेना था जो मैंने ले लिया, और इसीलिए मैंने आपकी आज्ञा नहीं। अब आप मुझे जो दंड देंगे मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ। नहीं निशाचरी, हम तुम्हें कभी दंड नहीं दे सकते।
तुम्हारी एक भूल के बदले हम तुम्हारे समस्त कार्य को नहीं भूल सकते, किंतु यदि तुम विजेंद्र प्रताप सिंह से पूर्व उस तांत्रिक का विवध कर देती तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होती। ओ, तांत्रिक भैरवनाथ इनका भी शत्रु है। आज मुझे ये जानकर बेहद खुशी हो रही है कि जिस तांत्रिक भैरवनाथ ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया था उन्हें मारने वाला रूपनगर के इन जंगलों में उत्पन्न हो चुका है। बस शिव कुमार, हम जानते हैं तुम यहां क्यों आए हो। तुम उसके शाप से मुक्ति पाकर वापस मनुष्य के संसार में जाना चाहते हो। आप तो अंतर्यामी हैं महर्षि जी, बिना बताए ही सब कुछ जान गए। महर्षि जी, मैं और मेरा परिवार सर्प योनि के अभिशाप के कारण बहुत कष्ट उठा रहे हैं। इस मायावी जंगल में केवल आप ही हैं जो हमें उस कष्ट से मुक्ति दिला सकते हैं। महर्षि जी, कोई मार्ग दिखाइए। मनुष्य योनि में जाने के पश्चात मैं और मेरा परिवार जीवन भर आपकी पूजा करेंगे। बस तुम समय बीतने के पश्चात मिले हो और यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता? महर्षि जी, आप क्या कह रहे हैं? जब से हमने आपको देखा हमें ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान हमारे वन में उतर आए। महर्षि जी, यदि आप चाहें तो आप अपनी शक्तियों से हमें उस पाखंडी के श्राप से मुक्त करा सकते हैं। यदि ये हमारे वश में होता वत्स, तो हम तुम्हें आज इसी क्षण इस शाप से मुक्ति दिलवा देते, किंतु भैरवनाथ की शक्तियों के सम्मुख हम विवश हैं। महर्षि जी, हमारा भाग्य बदले या ना बदले, किंतु मैं उस पापी का भाग्य अवश्य बदल दूंगा। उसे उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी प्रतिज्ञा है। महर्षि जी, मुझे आज्ञा दीजिए। प्रताप सिंह, हम तुम्हें सदैव सदैव के लिए मुक्त करने के लिए तैयार हैं। तुमने जिस श्रद्धा, आस्था, भक्ति और विश्वास के साथ हमारा कार्य किया है, उसका परिणाम अब तुम्हें अति शीघ्र ही मिलने वाला है। क्यों आगे गुरुजी, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। यदि तुम हमारे आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें इस नश्वर शरीर से मुक्ति दिला देंगे। कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ ही तुम्हें इस नश्वर शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। तुम एक ऐसे संसार में चले जाओगे, ऐसे संसार में जहां साधारण मनुष्य जाने से घबराता है, भय खाता है, परंतु तुम तो हमारे कृपा पात्र हो। हमारी अनुकंपा तुम्हारे साथ है। तुम बड़ी ही सहजता और निडरता के साथ वहां पहुंच जाओगे। बोलो बोलो, क्या तुम उस संसार के दर्शन करना चाहते हो? बोलो, क्या तुम हमारे लिए, अपने गुरुदेव के लिए इतना छोटा सा कार्य करोगे? आपके प्रत्येक आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है गुरुदेव। हम प्रसन्न हुए, हम प्रसन्न हुए। हमें तुमसे आशा भी नहीं थी। अब तुम देखते जाओ,
हम तुम्हें ऐसे संसार के दर्शन कराएंगे, ऐसे संसार के जहां से कोई भी कभी भी वापस नहीं आना चाहता है। लगता है सूर्य प्रताप तल सवेरे का अंतिम सूर्य भी नहीं देख पाएगा। ये सब देखकर तुम क्यों दुखी हो रही हो? यदि भैरवनाथ इस युवराज को नहीं मारता तो हमें कार्य करना पड़ता। तांत्रिक भैरवनाथ ने इस युवराज को मारकर एक तरह से हमारी सहायता कर रहा है। कंकालाय नमः। यदि उसने ऐसा कर दिया तो वो हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। हमें किसी भी तरह उसे रोकना होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अरे रागिनी, वो देख, महिला मनुष्य का उपहार स्वयं हमारे मायावी मठ में चिकर आ रहा है। इन्हें अपनी मायावी बातों में फंसा कर गुरुदेव को भेंट चढ़ा देंगे। हाँ, गुरुदेव इन दोनों महिलाओं का प्रसाद ग्रहण कर कितने खुश हो जाएंगे ना। चलो आप दोनों कौन हैं? डरो नहीं, ये हमारे गुरुदेव का मठ है। यहाँ छुपकर क्या देख रही थी? हाँ, चाहो तो भीतर चलकर गुरुदेव के दर्शन कर लो। नहीं नहीं, हम तो जंगल में लकड़ियां चुनने आई थी। अचानक हमारी दृष्टि उस बाबा पर पड़ गई तो हम ऐसे ही देखने के लिए ठहर गए। हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, आप बाबा के दर्शन किए बिना यहाँ से कैसे जा सकती हैं? एक बार बाबा की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है वह स्वयं उनका भक्त बन जाता है। अब उस युवराज को देखो, कुछ दिनों पूर्व ही वो हमारे बाबा के शरण में आया था और आज हमारे गुरुदेव का सबसे बड़ा भक्त है। देखो तो, किस अबोध बालक की तरह हमारे गुरुदेव के प्रवचन सुन रहा है। क्या आप दोनों ऐसे अलौकिक संसार में जाना पसंद करेंगी? क्या आप दोनों ऐसे अलौकिक संसार में जाना पसंद करेंगी? नहीं नहीं, हमारे लिए यही संसार सही है। हम चलते हैं। अब तुम्हारा यहाँ से जाना असंभव है क्योंकि हमारे गुरुदेव के मठ में आने के पश्चात कोई यहाँ से वापस नहीं जा पाता। हमारे गुरुदेव आप जैसी दोनों सुंदर युवतियों से मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। गुरुदेव, गुरुदेव, जय महाकाल। गुरुदेव, जय महाकाल। हमारे मठ पर आया हुआ प्रसाद बिना भोग लगे ही यहाँ से विलुप्त हो गया और तुम दोनों आपस में एक दूसरे का मुंह देखती रही। तुम दोनों ने उन दोनों युवतियों को बंदी क्यों नहीं बना लिया? गुरुदेव, हमने उन्हें आप तक लाने का प्रयास किया था लेकिन वो दोनों युवतियाँ बहुत चतुर निकली। और गुरुदेव, उन पर आपके मंत्र का कोई असर भी नहीं हुआ। समझ में नहीं आता कि वो दोनों युवतियाँ थी कौन। वो दोनों युवतियाँ कोई साधारण युवतियाँ नहीं थी। जिन युवतियों पर हमारे तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं हुआ वो अवश्य ही कोई मायावी शक्तियाँ होंगी। परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उन्हें शीघ्र ही अपने वश में कर लेंगे। जय महाकाल। बाल बाल बच गए। यदि वहां से भागने में हम एक क्षण की भी देरी और कर देते तो तांत्रिक भैरवनाथ हमें भी सूर्य प्रताप और लोहा सिंह की तरह अपने वश में कर लेता। यदि ऐसा हो जाता तो हम भी मनुष्यों की खोज में भटक रहे होते। तांत्रिक भैरवनाथ ने न जाने कितने मनुष्यों को अपना बंधक बनाया होगा। उसने कितने ही मनुष्य को अपना बंधक बना लिया है और कितने ही मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। किंतु वो बिचारों को ये नहीं पता कि वो भैरवनाथ को अपना भगवान समझकर उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। यदि मैं चाहूं तो उन बंधकों को तांत्रिक भैरवनाथ के चंगुल से छुड़ाकर अपना सेवक बना सकती हूँ। ये क्या,
ये क्या कह रही हो निशाचरी? तांत्रिक भैरवनाथ के बंधक मनुष्यों को अपना सेवक कैसे बना सकती हो? ये क्या, तुमने अपना रूप तांत्रिक भैरवनाथ में बदल लिया? रागिनी, ये क्या, गुरुदेव मठ से दूर यहाँ? और ये युवती तो वही है ना जो अपनी सहेली के साथ हमारी मठ से लुप्त हो गई थी? हमारे गुरुदेव अंतर्यामी हैं, वो जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकते हैं। हो सकता है उन्होंने इसे भी अपने वश में कर लिया हो। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कहीं गुरुदेव को हमारी कोई आवश्यकता तो नहीं। चलो। प्रणाम गुरुदेव। जय महाकाल। रूपिणी और रागिनी, हमने तुम्हें मनुष्यों को पकड़कर हमारे समक्ष लाने के लिए कहा था, परंतु ये क्या, तुम खाली हाथ हमारे पास कैसे आ गईं? आश्चर्य है गुरुदेव, हम तो मनुष्य की खोज में ही निकली थी, किंतु आप तो सूर्य प्रताप सिंह के साथ मठ में तंत्र साधना कर रहे थे और आपको यहाँ अचानक देखकर हम आश्चर्यचकित रह गए, इसलिए यहाँ चले आए। रूपिणी, ये तो हमारी तांत्रिक शक्तियों का चमत्कार है। हम पवन के झोंके की तरह यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आ और जा सकते हैं। इसे देखो, इसे इसे हमने अपने वश में कर लिया है। ये वही युवती है ना जो हमारे मठ से हमारी आंखों में धूल झोंक कर भागने का प्रयत्न कर रही थी। देखो, ध्यान से देखो इसे, हमने इसे सदा सदा के लिए अपनी दासी बना लिया है। वो तो हम देख ही रहे हैं गुरुदेव, किंतु इसके साथ वो जो दूसरी युवती थी वो कहाँ गई? वो दूसरी युवती वो भी यहीं कहीं आसपास ही होगी, हम उसे भी शीघ्र पकड़ लेंगे। परंतु तुम्हें हम एक आदेश देते हैं, अब तुम जिस मनुष्य को भी पकड़ो उसे इस युवती अर्थात कोमलिका को सुपुर्द कर दो। इसके सुपुर्द? किंतु गुरुदेव, आपने तो कहा था कि हमारी जान में फंसने वाले प्रत्येक मनुष्य को आपके सुपुर्द किया जाए। रूपिणी, हम तत्काल प्रभाव से अपने पूर्व आदेश को निरस्त करते हैं। अब तुम जिस मनुष्य को भी पकड़ोगी कोमलिका के पास पहुंचाओगी, हम कोमलिका से उन मनुष्यों को प्राप्त कर लेंगे। जाओ, शीघ्र जाओ और जंगल जाकर मनुष्यों को पकड़ो, और आज के बाद हमारे पास कभी मत आना, समझ गई? ये हमारा नया आदेश है। जो आज्ञा गुरुदेव। चलो रुक। देखा कोमलिका, तांत्रिक भैरवनाथ की शिष्याओं को मैंने कैसा चकमा दिया? अब वो मनुष्यों को पकड़ पकड़ कर तुम्हारे पास लाएंगी और तुम उन्हें मंत्रीवर तक पहुंचा देना। वाह निशाचरी, वाह, चतुराई में तुमसे अधिक तो कोई हो ही नहीं सकता। एक तीर में दो शिकार। मंत्रीवर की सुनी कारागार भी अब मनुष्यों से भना आरंभ हो जाएगी, लेकिन भैरवनाथ को हानि पहुंचाना निश्चित हो गया है। यदि किसी तरह लोहा सिंह भैरवनाथ के वश से बाहर निकल जाए तो मंत्रीवर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कोमलिका, मंत्रीवर को प्रसन्न करने के लिए तो मैं अपनी प्राण भी दे सकती हूँ। देखते हैं लोहा सिंह हमारे वश में होता है या नहीं। आपके यहाँ भी दर्शन हो गए गुरुदेव। जय हो, आप अद्भुत है गुरुदेव। जय हो गुरुदेव, जय हो।
आयुष्मान। विजयी भव, विजयी भव। जयचंद, ये अचानक हमारे खेमे में क्या हो रहा है? ये तांत्रिक यहाँ कहाँ से आ गया? और कोमलिका इसके साथ मित्रों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है? कोमलिका के साथ साथ लोहा सिंह भी उस तांत्रिक के आगे नतमस्तक हो गया है। मंत्रीवर, देखिए कैसे उसके पैरों में गिरा जा रहा है। लगता है उस तांत्रिक ने निशाचरी को कोई नुकसान पहुंचा दिया है, अन्यथा अब तक वो यहाँ आ गई होती। कहाँ है हमारी मायावी शक्ति? उठो लोहा सिंह, उठो। कोमलिका, हमारा दास, हमारा भक्त लोहा सिंह, हमने तुमसे क्या कहा था? अब आगे आगे देखती जाओ, हमने जो जो कहा था वही वही होगा। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आपने लोहा सिंह के होते हुए व्यर्थ यहाँ आने का परिश्रम किया। मैंने आपकी आज्ञा अनुसार पर्याप्त मनुष्यों की व्यवस्था कर ली, किंतु प्रातः मैं सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहा था। ये देखिए, चारों ओर मनुष्य ही मनुष्य हैं। ठहरो, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। उचित मुहूर्त के आते ही हम तुम्हें सूचना देंगे, फिर इन्हें ले आना। ये सब क्या हो रहा है कोमलिका? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी कुछ हो रहा है हमारे लिए बहुत अच्छा हो रहा है मंत्रीवर। आप जिसे देख रहे हैं वो तांत्रिक नहीं, वो निशाचरी है, हमारी निशाचरी। निशाचरी? इसका तात्पर्य ये हुआ कि निशाचरी ने ये मायावी छल हमारे हित में ही किया होगा। शीघ्र बताओ उसकी योजना क्या है। निशाचरी ने तांत्रिक भैरवनाथ की दो कपटी सेविकाओं को हमारे लिए मनुष्य पकड़ के लाने के कार्य में लगा दिया है। क्या इतना कठिन कार्य निशाचरी ने चुटकी बजाते ही कर दिया? किंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि निशाचरी यहाँ भैरवनाथ का रूप धारण करके लोहा सिंह से क्या बातें कर रही है। लोहा सिंह को अपने वश में करने की योजना बना रही है। आप शीघ्र चलिए हमारे साथ, आपको देखते ही निशाचरी भय खाने और महागुरु मानने का नाटक करेगी। बस इसके पश्चात आप देखिए कि किस तरह लोहा सिंह होश में आता है। निशाचरी ने अपने स्वामी भक्ति का प्रमाण दे दिया है मंत्रीवर। शीघ्र चलिए, कहीं वास्तविक तांत्रिक भैरवनाथ को पता न चल जाए। हमें किसी भी अशुभ संकेत से पहले लोहा सिंह को वापस अपने वश में कर लेना चाहिए। निशाचरी जरूर कोई शुभ संकेत लेकर। चलिए चलो। आओ महारथी, आओ और हमारे महान गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो, क्योंकि अब तुम लोगों का अंतिम समय निकट आ गया है। स्मरण कर लो अपने पिता पितामह को, जो दैत्य आकाश में बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सब क्या नाटक है भैरवनाथ? तुमने इस मूर्ख पर क्या जादू कर दिया है जो ये हमें नेत्र दिखाने का दुस्साहस कर रहा है? महागुरु, आपके दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए। आपको ढूंढते हुए हम मारे मारे फिर रहे थे। हमें तो आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें आपके चरणों में स्थान मिल गया है। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आपकी जय हो। क्षमा कर दीजिए महागुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। भैरवनाथ को हमारे चरणों में गिड़गिड़ाते देखकर तुम्हें पसीना आ गया लोहा सिंह? हमारा सेवक होने के पश्चात हमसे नजरें मिलाने का साहस कर रहा था। इसे मेरा नहीं, इस दुष्ट भैरवनाथ का कसूर है, किंतु मुझे होश आ गया है। मैं भला आप जैसे देव पुरुष के विरुद्ध कैसे अपशब्द कह सकता हूँ? इसी ने मुझे आपके विरुद्ध भड़काया था, किंतु अब मैं इस काले सर्प की दोनों हरी आंखें। मुझे क्षमा कर दो लोहा सिंह, मुझे क्षमा कर दो, हमसे अनजाने में भूल हो गई। इसे क्षमा कर दो लोहा सिंह, किंतु भैरवनाथ से जो भूल हुई है उसकी सजा तो इसे मिलेगी। आज के पश्चात तुम भैरवनाथ के किसी भी आदेश का पालन नहीं करोगे। हम लोहा सिंह को कभी भी कोई आदेश नहीं देंगे। हमें क्षमा कर दीजिए महागुरु, क्षमा कर दीजिए। हमें सारा जीवन आपके चरणों में व्यतीत करना है। अब हमें अपने चरणों में स्थान दे दीजिए महागुरु, स्थान दे दीजिए। हमने तुम्हें क्षमा किया भैरवनाथ, किंतु आज के पश्चात ऐसा अपराध फिर ना हो। बहुत समय के पश्चात आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा मंत्रीवर। मुझे आदेश दीजिए कि किसे परलोक पहुंचाना है।
समय आने पर हम तुम्हें उनके नाम भी बता देंगे लोहा सिंह, किंतु अभी सर्वप्रथम तुम्हें हमारे उन सैनिकों को वापस हमारे डेरे में लाना है जिन्हें भूलवश तांत्रिक भैरवनाथ ने अपना दास बना लिया है। हम उन्हें भी बताना चाहते हैं कि हम कौन। यदि आप आज्ञा दें तो पथ मिलने वाले अन्य मनुष्य को भी ले आता हूँ। इन दिनों जंगल में बहुत सारे मनुष्य भटक रहे हैं। जो तुम्हें उचित लगे वही करो, किंतु हमारे सैनिकों को शीघ्र से शीघ्र हमारे डेरे में वापस ले आओ। जो आगे मान ठहरो लोहा सिंह। लोहा सिंह, ये जंगल मायावी है। यदि पथ में तुम्हें कोई बहरूप या भैरवनाथ मिले तो उस पर कंचित भी विश्वास मत करना। उसे देखते ही उसका सर उसके धड़ से अलग कर देना। जैसी आज्ञा। हमें तुम पर गर्व है निशात्री। तुमने हमारे नए शत्रु से हमें परिचित करा दिया। अब हम उसे देखते ही समाप्त कर देंगे, या फिर हमारा ये कार्य लोहा सिंह पूर्ण करके ही लौटेगा। अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकती हो। आपके मुख पर प्रसन्नता के भाव देखकर मुझे बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है हुजूर। आज मुझे मेरी तपस्या का फल मिल गया। यदि तांत्रिक भैरवनाथ पर काल आ गया होगा तो वो लोहा सिंह से अवश्य मिलेगा, और आपका शत्रु आपसे मिलने से पहले ही परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। अब हम निश्चिंत होकर महल लौट सकते हैं। लोहा सिंह की सेवाएं हमें बहुत समय पश्चात फिर से प्राप्त हो गई। निशात्री, तुम कोमलिका के साथ मिलकर लोहा सिंह पर पल पर दृष्टि जमाए रखो, और जंगल में हो रही हर उथल पुथल की जानकारी हमें देती रहो। आपने हमें याद किया हुजूर। हम तुम दोनों के कार्य से बहुत प्रसन्न हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पीछे से रूपनगर के वनों का कार्यभार तुम भली भांति संभाल लोगे। आपने हमें इस लायक समझा, इस बात की हमें बहुत प्रसन्नता है हुजूर। आपके एक संकेत पर हम आपके किसी भी शत्रु का क्षण भर में वध कर सकते हैं। हम इस बात को भली भांति परख चुके हैं। हमारे भाई परमवीर के किसी गुप्त स्थान पर चले जाने के पश्चात हम बहुत अकेले हो गए थे, किंतु तुम्हारी स्वामी भक्ति देखकर हमें पूर्ण विश्वास हो गया है। अब तुम दोनों हमें अपने भाई के समान ही लगने लगे हो। आपने हमें एक भाई का सम्मान दिया है, ये जानकर हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई है। आपके शरीर से गिरी पसीने की एक बूंद पर हम अपने शरीर से रक्त की धार बहा देंगे हुजूर। तुम्हारे इन शब्दों से हमारे भीतर का विश्वास लौट आया है, अन्यथा एक साथ इतने सारे शत्रुओं और संकटों का सामना करते करते हम अपना धैर्य खो बैठे थे। रूपनगर के जंगल में छिपे हमारे समस्त शत्रुओं के सांसों की डोर तुम्हारे हाथों में सौंप कर हम कुछ दिनों के लिए महल लौट जाना चाहते हैं। आप हमें जो भी कार्य देंगे वो अवश्य पूर्ण होगा। जब तक आपके शत्रुओं को समाप्त नहीं कर लेते तब तक हम दोनों चैन से नहीं बैठेंगे। यदि तुम जैसे योद्धा हमें पहले मिल गए होते तो हमें अपना सिंहासन कभी नहीं छोड़ना पड़ता। सिंहासन छोड़ने के बाद हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, किंतु अब एक एक करके हमारी सारी समस्याएं समाप्त होने लगी हैं और संकट भी टलने लगे हैं। हुजूर, अब हमारा लक्ष्य आपको वो स्थान दिलाना है जिसे आपके शत्रुओं ने आपसे छीन लिया था। मंत्री पद का वो खोया हुआ सिंहासन तो हम कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, किंतु हमारे नेत्र अब उस सिंहासन पर हैं जिसमें महाराज विराजमान है। अब आपका स्थान वो सर्वोच्च सिंहासन होगा, यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। तुम दोनों के विश्वास से हमारे रूपनगर का सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा और प्रबल हो गई है, किंतु महल लौटने से पूर्व हम तुम दोनों को अलग अलग कार्य सौंपना चाहते हैं। विक्रम सिंह, तुम रूपनगर में छिपी हमारी शत्रु मायावी शक्ति और दुर्गेश्वरी पर दृष्टि रखोगे, और शत्रुघ्न सिंह, तुम दूसरे देशों से आए युवराजों को हमारी गुप्त कारागार में पहुंचाने का कार्य करोगे। आपके समस्त कार्य पूर्ण हो जाएंगे, अब आप निश्चिंत होकर महल वापस लौट सकते हैं। अब हम रूपनगर के महल लौट कर देखेंगे कि हमारी अनुपस्थिति में वहाँ क्या उथल पुथल मची हुई है, किंतु उससे पूर्व तुम्हें रूपनगर के जंगलों में उत्पात मचा रहे उन युवराजों को समाप्त करना है जो हमारा अधिकार छीनने का स्वप्न देख रहे हैं। सरकार, अरे सरकार, अब जोड़ा नहीं जाएगा, अरे टूट गए मेरे पैर। सरकार, सरकार, इस और चलो। सरकार, ये जंगल तो एक से बढ़कर एक महारथियों से भरा हुआ है।
एक गुरु तो दूसरा महागुरु। अरे जिस तांत्रिक को हम महाशक्तिशाली समझ के उसके आदेश का पालन कर रहे थे, अरे यहाँ तो उसका भी गुरु बैठा हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो सरावर, हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है जिस प्रकार वो तांत्रिक अपने महागुरु के चरणों पे लौट रहा था। अरे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो अपने महागुरु से दया की भिक्षा मांग रहा हो। सोरावर, क्या तुम्हें लगता है कि हमें ऐसे निर्बल तांत्रिक के लिए मनुष्यों को ला ला कर इकट्ठा करना चाहिए? नहीं 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 सरकार, नहीं, कदापि नहीं। अरे जो तांत्रिक किसी और के पैरों पे अपना शीश रख कर दया की भिक्षा मांग रहा हो, अरे उसका उसका कार्य करके हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। उस तांत्रिक ने हमें मूर्ख बनाया सरकार। सोरावर, हम देख रहे हैं कि तुम मूर्ख बनने के बाद ही समझ पाते हो कि तुम मूर्ख बन रहे हो। हम अलका पुलिस तुम्हें अपने साथ इसलिए नहीं लाए थे कि तुम्हारे कारण मूर्ख बनते रहे। नहीं नहीं, कदा भी नहीं सरकार। जो तांत्रिक किसी दूसरे के चरणों में अपना शीश रखे, उस तांत्रिक का आदेश मानकर हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। यदि मुझे पहले से यह ज्ञात होता तो मैं उस तांत्रिक का आदेश कदापि नहीं मानता। उस तांत्रिक ने हमें मूर्ख बनाया है सरकार। दोष केवल तुम्हारा ही है, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। यदि तुमने उस तांत्रिक को अच्छी तरह परख लिया होता तो हम इस समय इस जंगल में इस तरह भटक नहीं रहे होते। भूल हो गई सरकार, भूल हो गई। यदि इस जंगल में आगे चल के हमें कोई दूसरा तांत्रिक मिला तो मैं पहले उसे जांचूंगा, परखूंगा, फिर आपसे भेंट कराऊंगा। बस सरावर, बस। अब हम किसी तांत्रिक वांत्रिक से नहीं मिलना चाहते, किसी की सूरत तक नहीं देखना चाहते। हमारा लक्ष्य था राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह करना, किंतु उनके इस मार्ग में न जाने हमें कितनी भयानक भयानक आत्माओं के दर्शन करने पड़े। समझ में नहीं आता ये सब कब समाप्त होगा और कब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। सरकार, मैंने इस दूत तांत्रिक से छुटकारा पाने का एक उपाय सोचा है, यदि आप आज्ञा दे तो बताऊं। बताओ, किंतु याद रहे, यदि कोई मूर्खता से भरा उपाय बताया तो ये तुम्हारा आखिरी सुझाव होगा। नहीं सरकार, नहीं, मैंने तो समझदारी का कदम उठाने की चेष्टा की है। यदि हम इस तांत्रिक के गुरु से जाकर मिल जाए तो हमारा उद्देश्य भी पूर्ण हो जाएगा और हमें इस दूर तांत्रिक से छुटकारा भी मिल जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो सरावर, यदि हम उस महागुरु के चरणों में चले गए तो हमें इस दूत तांत्रिक से छुटकारा मिल जाएगा और रूपनगर का मार्ग भी मिल जाएगा। अब हम केवल उस महागुरु का ही आदेश मानेंगे। सरकार, लेकिन हम तो उस स्थान से बहुत दूर निकल आए हैं, यदि पीछे पलट कर गए तो कोई ना कोई संकट अवश्य मिलेगा, फिर फंस जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहां से भागे ही क्यों। हमें तो तभी उस तांत्रिक के चरणों में शरण ले लेनी चाहिए थी। भागने का तो ऐसा है सरकार कि आप भागे तो मैं भी आपके पीछे पीछे भाग लिया, किंतु अभी भी समय है, चलिए चलते हैं। ठीक है, चलो महागुरु के पास, चलो चलो चलो, गुरु जल्दी भागो। सरकार, देखिए तांत्रिक भैरवनाथ हमारी ही ओर चला आ रहा है। घबरा मत सरावर, उसकी पोल खुल चुकी है, अब वो हमसे नेत्र मिलाकर तक नहीं देख सकता। जय महाकाल। तुम दोनों जंगल में इधर उधर निरुद्देश्य क्यों भ्रमण कर रहे हो?
अभी तक तुमने एक भी मनुष्य को पकड़कर हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। क्यों? हम पूछते हैं क्यों? तुम दोनों गूंगे बहरे हो गए हो क्या? सुना नहीं? उत्तर दो। नहीं। अब हम तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं करेंगे। कार्य तो दूर, अब हम तुम्हारी सूरत तक नहीं देखेंगे। क्या? तुम्हारा इतना दुस्साहस? तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई है? दुनिया के महान तांत्रिक भैरवनाथ का आदेश ठुकराने का साहस इस संसार में कोई भी नहीं कर सकता है। बताओ, हमारे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? और हम तुमसे दोबारा और अंतिम बार कह रहे हैं निर्बल तांत्रिक कि हम तुम्हारे किसी आदेश का पालन नहीं करेंगे। यदि हमें आदेश का पालन करना ही है तो हम उस महातांत्रिक का करेंगे जिसके सामने तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। तुम दोनों कहीं विक्षिप्त तो नहीं हो गए हो? रूपनगर के इस जंगल में ऐसा कौन सा तांत्रिक आ गया है जिसे तुम महातांत्रिक की संज्ञा से विभूषित कर रहे हो? स्मरण रखो, इस समस्त संसार में हमसे बड़ा, हमसे महान, हमसे शक्तिशाली तांत्रिक पैदा हो ही नहीं सकता। आय हाय हाय, डींगे तो बहुत बड़ी बड़ी हाँकते हो हमारे सम्मुख और दूसरे तांत्रिक के पैरों में अपना शीश रख के लूटते हो। सरकार, ये ढोंगी पाखंडी नाटकबाज है। अरे इसके मुंह लखना अपना समय नष्ट करने के समान है। चलिए हम चलते हैं महातांत्रिक के पास। तुम ठीक कह रहे हो जोरावर, इस जैसे ढोंगी तांत्रिक हमें मार्ग में और भी मिल सकते हैं। ए भैरवनाथ, याद रहे, यदि दोबारा तू हमारे सामने आ गया तो हम तेरा शीश धड़ से अलग कर धरती में गाड़ देंगे। चलो जोरावर चलो। भैरवनाथ, हम कहते हैं ठहर जाओ, अन्यथा हम अपनी मायावी मंत्र शक्ति से तुम्हें भस्म कर देंगे। कंकालाय नमः। चल। ये क्या? आज हमारी मायावी शक्तियां प्रभावी नहीं हो रही हैं। संभवतः हम अपने मायावी मठ से बहुत दूर निकल आए हैं। हाँ, यही कारण हो सकता है। आज हमारे दोस्त हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। अवश्य ही कोई मायावी शक्ति रूपनगर के इस जंगल में प्रवेश कर चुकी है जो हमें दुनिया के महान तांत्रिक हरौरी भैरवनाथ की शक्तियों को चुनौती दे रही है। हमें शीघ्र पता लगाना होगा कि ये शक्ति कौन सी है और उसका समूल विनाश करना होगा। जय महाकाल।